विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। हर सीन में जाकर देख रहे हो, वर्तमान में रहते हुए पास्ट का भूतकाल का पैकेट इस्तेमाल नहीं करते। पैकेट सब बाजू में रखो, उभर कर आएंगे पैकेट, विचार आएंगे, मर कहेंगे ठीक है मुझे इस्तेमाल नहीं करना, मुझे अभी का देखना है वर्तमान में क्या चल रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लाल लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं, सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए, हर जीव हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाए क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है, उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो चाहिए वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है, केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं, ऐसी शुरुआत ऐसा अंत जहां पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग
पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, मेरा हक है दूसरों पर, ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं, जो जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के अंत में तपर्पण करें, अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। सातवां कदम है ये सब जो चीजें हैं इनको टिकाना, विचारना के बाद टिकाना, यानी ये जो छह कदम आपने उठाए इनको निरंतर टिकाओ, टिकाना। निरंतरता सफलता की कुंजी है।
इन चीज़ों को निरंतरता से करते रहो, यानी निरंतरता से व्यायाम चलेगा। हफ्ते में 5 दिन व्यायाम करना है आपने डिसाइड किया तो 5 दिन करते ही हैं, हर हफ्ते में करते ही हैं, तो ये निरंतरता है। आप ठानते हो, निरंतरता से करते हो, प्रेरित क्रम का विचार आता है वो करते हो, और जब वो विचार नहीं है तब बॉडी को व्यायाम, बुद्धि को व्यायाम, क्षमा साधना, ताकि प्रेरित वाले विचार आए अंदर से, मैं पहचान पाऊँ। तरल साधना, सरल प्रार्थना, ये सब हम करते रहें और रूपांतरण अचानक घटित हो जाएगा। रूपांतरण का अर्थ है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। पानी को गर्म करते करते 100 डिग्री पर वो बाफ बन जाता है, इंजन चलाता है, इतनी ताकत आ जाती है। तो ये जो रूपांतरण हो गया पानी से बाफ बनने का, ये रूपांतरण कोयले से हीरा बनने का, कोयले को कितना अंदर दबाया गया है जमीन के अंदर, उस दबाव में वो हीरा बनता है। इंसान को जो तकलीफें आती है उससे उसकी नींव की स्थापना होती है। घबराना नहीं है, डीएस आए तो ये आपके लिए स्टेपिंग स्टोन है, आपको आगे बढ़ाने के लिए आपकी प्रार्थना का असर है, जिस वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। और आप तरल साधना से मूड अपना बनाए हुए, दूसरों का मूड कैसा होना चाहिए जैसा है, तो आपके अंदर शिकायत उठती ही नहीं। बिना शिकायत के आप आश्चर्य से बच्चे की तरह हर सीन में जाकर देख रहे हो, वर्तमान में रहते हुए। पास्ट का, भूतकाल का पैकेट इस्तेमाल नहीं करते, पैकेट सब बाजू में रखो। उभर कर आएंगे पैकेट, विचार आएंगे, मर कहेंगे ठीक है मुझे इस्तेमाल नहीं करना, मुझे अभी का देखना है वर्तमान में क्या चल रहा है। तो ऐसे करके आप 7वां कदम उठाएंगे। किसी जेन मास्टर से पूछा गया कि आपको आत्म साक्षात्कार हो गया तो फिर क्या बदल हो गया, बोला पहाड़ आज भी पहाड़ है, पहले भी थे आज भी थे मगर बड़ा फर्क है, पहले भी हंसते थे अभी भी हंसते मगर बड़ा फर्क है, पहले भी हंसते थे अब भी हंसते हैं मगर बड़ा फर्क है। ये क्या फर्क है? क्योंकि अब सत्य मालूम पड़ गया, अब वही शतरंज है, सब दिख रहा है वही, मगर सब बदल गया। तो अब कैसा होगा शतरंज, कैसी होगी देख लो। ऐसी थी और 7 कदम उठाने के बाद कैसी होगी? ये शतरंज है, आते ही दिखाते आपको ये शतरंज है, तो आप बोलते ये कैसी शतरंज है, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, इस पर तो कुछ नहीं है, इस पर तो कुछ नहीं है। मैं शशि क्या कहते, ये कुछ नहीं नहीं है, ये वो कुछ नहीं नहीं है। आप जो सोच रहे हो, मन को जो कुछ नहीं लगता है वो कुछ नहीं नहीं है, ये सब कुछ है, इसमें सब लकीरें समाप्त, कोई लकीर नहीं है। आपका अंतर्मन ऐसा हो जाए, कोई लकीर नहीं, कोई पैकेट नहीं, हेल्थ हील एवरी लकीर एंड पैकेट। अब ये है प्योर अवेयरनेस, इसको कहते हैं प्योर अवेयरनेस। प्योर है अवेयरनेस में, सब जाना जा रहा है, देखा जा रहा है, लकीरें आई नहीं कि बुझ गई, क्योंकि क्षमा का डस्टर तैयारी है। किसी के लिए कोई लकीर आई, क्षमा साधना कर ली, कृपया मुझे क्षमा करो। मन ही मन में तो हम क्षमा मांग सकते हैं, इकाई से क्षमा मांग सकते हैं, उस पर्सन से मांग सकते हैं, पूर्वजों से मांग सकते हैं, अपने ही शरीर से मांग सकते हैं, अपने शरीर के अंगों को जो बीमार हैं उनसे क्षमा मांगो कि हमने तुम पर ध्यान नहीं दिया, तुमको ओवर यूज किया, गलत यूज किया, तो मेरे निग्लिजेंस के लिए मुझे क्षमा करो, मेरी लापरवाही के लिए मुझे क्षमा करो। तो आप लकीरें मिटाते जाओगे, व्हाइट बोर्ड जब व्हाइट है तो
प्योर कर्म, प्रेरित कर्म आने लगेंगे, पीके आने लगेंगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।